गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। जैसा कि कल हमने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3 की प्रॉब्लम नंबर 4-5 बताया, आज प्रॉब्लम नंबर 6 पे हम आ जाएंगे। देयर आर 3 कॉइंस, वन इज ए 2-हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन द बोथ फेसेस, अनदर इज बेस्ड कॉइंस दैट कम्स अप लेड हेड्स 75% ऑफ द टाइम एंड थर्ड इज एन अनबेस्ड कॉइंस। वन ऑफ 3 कॉइंस इज चूजन एट रैंडम एंड टाइड, इट शोज हेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हु वाज द 2-हेडेड कॉइन। कह रहा है कि इसमें 3 सिक्के हैं, इसमें एक सिक्का 2-हेडेड है, 2-हेडेड का मतलब दोनों तरफ दोनों फेसेस पे हेड, दूसरा सिक्का बेस्ड कॉइन्स है जिसपे 75% हेड आने की संभावना, और तीसरा सिक्का अनबेस्ड कॉइन, उनमें से एक सिक्का चुना गया। पूरा प्रायिकता ज्ञात करिए कि चुने गए सिक्के पे हेड आएगा और वो 2-हेडेड कॉइन्स होगा। यहाँ पे लेट E1, E2, E3 बी द रिस्पेक्टिव इवेंट ऑफ चूजिंग 2-हेडेड कॉइन, बेस्ड कॉइन्स एंड अनबेस्ड कॉइन्स। 3 कॉइन्स थे, E1 माना गया 2-हेडेड कॉइन्स को, E2 माना गया बेस्ड कॉइन्स को, E3 माना गया अनबेस्ड कॉइन्स को। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 1/3। ए 2-हेडेड कॉइन्स ऑलवेज शोज हेड, जो 2-हेडेड कॉइन्स है उस पर हेड ही आएगा। PA/E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कॉइन शो हेड इवन दैट इट इज ए 2-हेडेड कॉइन्स इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कमिंग अप गिवन दैट इट इज बेस्ड कॉइन्स इज इक्वल टू 75%। यानी दूसरे कॉइन्स पे जो हेड आएगा उसकी संभावना 75% की है। PA/E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन शोइंग हेड गिव्स दैट इट इज बेस्ड कॉइन्स इज इक्वल टू 75/100 यानी 3/4। सिंस द थर्ड कॉइन्स अनबेस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट शो हेड इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1/2 यानी PA/E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कॉइन शोज हेड गिव्स दैट इट इज ए अनबेस्ड कॉइन्स इज इक्वल टू 1/2। Probability that the coins is two-headed gives that shows head is given by PE1/A is equal to PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2 plus PE3 into PA/E3। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 into 1/1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4 plus 1/3 into 1/2 1/3 divided by 1/3 plus 1/4 plus 1/6 1/3 12 LCM 4 plus 3 plus 2 1/3 into 2 12 by 9 रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 1 3 4 4 by 9। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज द स्कूटर ड्राइवर। कह रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस है, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर का है, जिनकी प्रायिकता 0.01, 0.03 और 0.15 है। एक इंजर्ड व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, प्रायिकता ज्ञात करिए कि वो स्कूटर ड्राइवर है। लेट E1, E2, E3 बी द रेस्पेक्टिव इवेंट दैट द ड्राइवर इज ए स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर। लेट A बी द इवेंट दैट पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर 2000, 4000, 6000, 12000। PE1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ड्राइवर इज ए स्कूटर ड्राइवर 2000/12000 1/6। PE2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर इज ए कार ड्राइवर 4000/12000 इज इक्वल टू 1/3।
P3 is equal to probability driver is a truck driver is equal to 6,000 by 12,000 1 by 2. PA by E1 is equal to 0.01 यानी 1 by 100. PA by E2 is equal to 0.03 यानी 3 by 100. PA by E3 is equal to 0.15 यानी 15 by 100. The probability that the driver is a scooter driver is given that met an accident PE1 by A. And PE1 by A is equal to PE1 into PA by E1 by PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2 plus PE3 into PA by E3. 1 by 6 into 1 by 100 by 1 by 6 into 1 by 100 plus 1 by 3 into 3 by 100 plus 1 by 2 into 15 by 100. 3 cancel. यह आपका हो जाएगा 1/600 डिवाइड बाई 1/600 प्लस 1/100 प्लस 15/200 1/600 डिवाइड बाई 600 एलसीएम 1 प्लस 6 प्लस 45 1/600 इनटू 600 बाई 52 यानी 600 कैंसिल 1/52